आरडीजे होने वाले हैं एमसीयू से हमेशा के लिए रिटायर, और कैविल कुमार के ऑसम कैमियो के बाद अब फाइनली उन्हें मार्वल में मिलने जा रही है उनकी परमानेंट सरकारी नौकरी। वेनम द लास्ट डांस का पोस्ट क्रेडिट सीन एंड और भी बहुत सारी ऑसम एंड ताजी पॉप कल्चर अपडेट्स तोड़कर ला रहा हूं सिर्फ आपके लिए, तो रिलैक्स होकर बैठ जाओ एंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्वल के असली मसीहा की। कहने को तो डेडपूल मार्वल का मसीहा है, बट एक्चुअल में मार्वल को सेव किया है आरडीजे ने, आज नहीं बहुत बार। उनके रिटर्न से वो फैंस जो एकदम थके थके पड़े रहते थे, अब उनमें भी जान सी आ गई है, और ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज तो है, लेकिन सिर्फ 2027 तक। एक मार्वल इंसाइडर की ये रिपोर्ट है कि आरडीजे सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू से परमानेंटली रिटायर हो जाएंगे, और ये न्यूज आपके लिए और भी सेंस बनाएगी इफ आपने मेरी लास्ट आयरन मैन रिटर्न वाली वीडियो देखी होगी तो, क्योंकि उसमें मैंने ये बताया था कि आरडीजे के जिस डॉक्टर डूम को हम स्क्रीन पर देखेंगे वो एक्चुअल में और कोई नहीं टोनी स्टार्क ही होगा, बट टोनी की बॉडी में डॉक्टर डूम कब्जा कर लेगा और अपनी बॉडी में टोनी की कॉन्शियसनेस को डाल देगा, यानी दोनों के दोनों अपनी बॉडीज को स्विच कर लेंगे, या आसान भाषा में कहूँ तो एक्सचेंज कर लेंगे। और सीक्रेट वॉर्स में एक पॉइंट ऐसा आएगा दोस्तों जब ये ट्विस्ट रिवील हो जाएगा, यानी डूम वापस अपनी बॉडी में चला जाएगा और टोनी की कॉन्शियसनेस वो वापस अपनी आरडीजे वाली बॉडी में आ जाएगी, और ऐसा होते ही हमारे सामने डॉक्टर डूम की रियल बॉडी, उसका रियल चेहरा आ जाएगा। और ये सब क्यों होगा ये मैंने उस वीडियो में डीपली डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, इफ यू वांट इस वीडियो के बाद उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो आरडीजे का जो टोनी है वो सीक्रेट वॉर्स में आखिरी बार हमें दिखाई देगा, क्योंकि फिर आगे या तो फिर वही रियल डॉक्टर डूम कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट सागा में, या फिर आगे कभी लाइक हमारी सीक्रेट टाइमलाइन का यानी 616 का नया डॉक्टर डूम डेब्यू करेगा। बट ओवरऑल आरडीजे का सफर सिर्फ सीक्रेट वॉर्स तक ही चलेगा, इसके आगे नहीं, फिर वो एमसीयू से हमेशा के लिए रिटायर हो जाएंगे, और एक्चुअल में हम एक बार उन्हें टाटा बाय बाय ऑलरेडी बोल चुके हैं एंड गेम में, और एक बार फिर से हमें उसी भारी मोमेंट से होकर गुजरना पड़ेगा, बट भाई कर भी जा सकते हैं, एवरी गुड थिंग मस्ट कम टू एन एंड। बहुत खराब लग रहा है यार मुझे, वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पे शायद थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। अब आ जाते हैं अपने कैविल कुमार पर। तो डीसी ने इनके साथ जिस तरह से बीसी की और फिर इन्हें बाहर निकाल दिया, तो ये आकर गिरे सीधा एमसीयू में वुल्वरीन बनकर, और अपने डोले शोले और सिग्नेचर हैंड रिलोड वाली मूव दिखाकर एमसीयू फैंस को कर दिया गीला। इसी से खुश होकर डेडपूल ने कैविल कुमार से एक वादा किया था, याद करो उसने कहा था कि हम आपको डीसी से कहीं अच्छी डील्स देंगे और उनसे बहुत बेटर ट्रीट भी करेंगे, और ऐसा होता हुआ अब दिख भी रहा है, क्योंकि अराउंड 10 से 15 सेकंड के शॉर्ट वुल्वरीन कैमियो के बाद अब वो फाइनली एक परमानेंट एमसीयू रोल में आने वाले हैं। एंड पहले बहुत सारे ऐसे रोल्स थे जिनमें उनके आने की र्यूमर्स थी, बट अब फाइनली दो ही ऐसे रोल्स हैं, एक तो है साइक्लॉप्स का और दूसरा है ऑब्वियसली कैप्टन ब्रिटेन का, और सबसे ज्यादा चांसेस भी हैं कैप्टन ब्रिटेन के। क्यों है ये आपको विद प्रूफ आगे बताता हूं। अब देखो उनके साइक्लॉप्स के रोल में आने के थोड़े चांसेस तो हैं, क्योंकि हमें पता है कि मार्वल एक एक्समैन मूवी पर काम कर रहा है जिसमें म्यूटेंट्स का लीडर और कोई नहीं साइक्लॉप्स ही होने वाला है, जस्ट लाइक एक्समैन 97 में साइक्लॉप्स ही सारे एक्समैन को लीड कर रहा था। तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्वल साइक्लॉप्स के रोल में एक परफेक्ट एक्टर को लाना चाहेगा, क्योंकि वो लीडर रहेगा, एंड हु इज मोर सूटेड, हु इज मोर परफेक्ट देन कैविल कुमार हिमसेल्फ। बट उनके कैप्टन ब्रिटेन बनने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उन्होंने पर्सनली इस रोल के बारे में बोला है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो कैप्टन ब्रिटेन का रोल इफ मार्वल उन्हें ऑफर करता है तो वो इसे जरूर जरूर से प्ले करेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, क्रिस इवांस के कैप्टन के बाद अब वैसी तगड़ी वाली वाइब्स हमें अगर किसी और से आ सकती हैं तो वो हैं कैविल कुमार, हेनरी कैविल। हेनरी कैविल के कैप्टन ब्रिटेन से ही क्रिस इवांस के कैप्टन अमेरिका वाली तगड़ी वाइब्स अब आ सकती हैं। उन्होंने कहा था कि तब और मजा आएगा जब मार्वल कैप्टन ब्रिटेन को आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से मॉडर्नाइज कर देगा। जैसे शुरुआत में कैप्टन अमेरिका सिर्फ शील्ड लेकर घूमते थे, टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स वगैरह यूज नहीं करते थे, बट आगे आने वाली मूवीज में उन्होंने वकांडा की हाईटेक शील्ड यूज की, टाइम टू टाइम बहुत सारे कूल गैजेट्स भी यूज किए उन्होंने, यानी वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ही सही बट मॉडर्न होते गए। सेम यही चीज हेनरी कैविल चाहते हैं कि कैप्टन ब्रिटेन के साथ भी हो, तब उन्हें ये रोल प्ले करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और क्योंकि उन्होंने किसी और रोल की नहीं सिर्फ और सिर्फ कैप्टन ब्रिटेन के रोल की बात ही पर्सनली करी, एंड वो खुद भी ब्रिटिश हैं, तो यही इस बात का लिटरल प्रूफ है कि उन्हें सबसे ज्यादा चांसेस मार्वल में कैप्टन ब्रिटेन का रोल मिलने के ही हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेनम नचनिया के आखिरी नाच की बात करें तो भाई इसके
पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर बहुत तगड़ी रिपोर्ट्स आई हैं। अब ऑल्दो ये गलत भी हो सकती हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली सही ही हैं। तो रिपोर्ट ये है गाइस कि वेनम का आखिरी नाच देखने के बाद थिएटर से पिछवाड़ा झाड़ के चल मत देना, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं देखना क्या? बट वेट, पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के बाद भी नहीं उठना है, यही तो ट्विस्ट है यार। क्योंकि एक्चुअल में वेनम द लास्ट डांस में एक नहीं, दो दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स होने वाले हैं। यस, यानी एक प्रोबेबली मिड क्रेडिट सीन होगा एंड उसके बाद एकदम एंड में जब पूरे क्रेडिट्स वगैरह सब रोल हो जाएंगे उसके बाद एक फाइनल पोस्ट क्रेडिट सीन और आएगा। एंड मुझे ये लगता है कि ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल सच है, ऑल्दो दो तीन दिन में हमें पता चल ही जाएगा। ये सोनी वर्स में वेनम की लास्ट मूवी है और इन दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन में एक में तो वेनम पक्का एमसीयू में जाएगा ही जाएगा, या क्या पता यार स्पाइडरमैन का कैमियो हो जाए। ऐसा हुआ तो भाई बस फिर तो मजा आ जाएगा। बाय द वे, ये पहली बार नहीं हो रहा है जब वेनम में दो पोस्ट क्रेडिट सीन रखे गए हों। वेनम फर्स्ट में भी अगर आपको याद हो तो दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स थे, तो डेफिनेटली एक सीन तो मूवी से ही रिलेटेड रहेगा, बट सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में पक्का कुछ ना कुछ एमसीयू से रिलेटेड टीज किया जाएगा। फिर चाहे वो वेनम का फिर से एमसीयू में जाना हो, या फिर स्पाइडरमैन को टीज किया जाए, या फिर नल की फुल ऑन एमसीयू में एंट्री दिखाई जाए, लिटरली कुछ भी हो सकता है इस पॉइंट पर। सो भाई, लेट्स गेट रेडी फॉर द राइड ऑफ 24th ऑफ अक्टूबर। बाय द वे गाइस, ये मुझे आप जरूर से बताओ कि आपकी सिटी में वेनम द लास्ट डांस कब रिलीज हो रही है। वैसे तो इसकी ऑफिशियल डेट 25th ऑफ अक्टूबर है, लेकिन मैंने सुना है कई कई जगह पर ये 25th को ही रिलीज हो रही है, क्योंकि मेरी सिटी में ये रिलीज हो रही है 24th ऑफ अक्टूबर को। ऑल्दो मॉर्निंग के फिलहाल तो कोई शोज नहीं है, इसके सारे के सारे शोज इवनिंग के हैं, 25th से फिर इसके मॉर्निंग शोज हैं। तो मैं तो भाई 24th की शाम को देख आऊंगा और रातों रात ही वीडियो बना के डाल दूंगा, और अगले दिन से फिर मैं इस टॉपिक को निचोड़ने लग जाऊंगा, क्योंकि ये भी बताना है कि भाई वेनम का आगे कैसा क्या फ्यूचर रहने वाला है, सोनीवर्स खत्म हो रहा है नहीं, ये सारी हिंट्स हमें वेनम द लास्ट डांस में मिल ही जाएंगी। और नल जैसे कैरेक्टर को भाई सोनी वेस्ट नहीं करने वाला। एंड हाँ, कोई शायद ये कह रहा था, आई डोंट नो कौन था, बट किसी ने ऐसा बोला था कि नल जो है वो टॉक्सिन से डरता है, तो इस चीज़ को लेकर भी क्लियर कर देता हूँ भाई, वो नल है, वो फियर का इनकारनेशन खुद है। नल ने ही एक तरह से फियर जैसे इमोशन का कह सकते हो इन्वेंशन किया है, वो खुद में ही फियर है, तो वो तो भाई किसी से नहीं डरने वाला, स्पेशली अपनी खुद की क्रिएशन एक किसी सिम्बियोट से तो नहीं डरने वाला। हाँ, वो कभी किसी को लेकर थोड़ा सा अगर प्रिकॉशस हुआ है थोड़ा सा, तो वो थॉर को लेकर हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली भाई थॉर की इलेक्ट्रिसिटी उसकी क्रिएशंस पर, उसके सिम्बियोट्स पर एक बार थोड़ा भारी पड़ गई थी, तो थॉर को लेकर मतलब थोड़ा सा वो प्रिकॉशस हुआ है, बट लिटरली भाई किसी से नहीं डरता है वो, उसने सिंगल हैंडेडली इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को खुद ठिकाने लगा दिया। तो खुद सोचो यार, अपनी क्रिएशन, अपनी खुद की क्रिएशन टॉक्सिन से वो डरेगा क्यों? तो बेसिकली किसी यूज़र ने कहा था शायद, आई डोंट नो क्यों कहा था, या मे बी किसी क्रिएटर ने कहा था, जो भी हो। तो बहरहाल ये क्लियर करना ज़रूरी था कि हाँ, नल तो आप भी जानते हो किसी से नहीं डरता है। तो ओवरऑल लेट्स सी कि अब नल जो है वो सोनीवर्स में ही ख़त्म हो जाता है, हालांकि इसका ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, वो डेफिनेटली एमसीयू में आएगा। सो वेट करते हैं दो तीन दिन और। तो ये थी आज की सारी अपडेट्स गाइस। अब वीडियो इफ आपको अच्छी लगी हो तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। एंड फेस कैम वीडियो बस दो तीन दिन में आ ही जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है मेरे साथ। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।